अयोध्या में कोरोना विस्फोट की खबर से हड़कंप मच गया है। 11 विदेशी नागरिक समेत कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव, इंग्लैंड म्यांमार के ये लोग हैं। वहीं पटना में भी कोरोना, देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर उन्हें रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि JNU प्रशासन ने अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। कोविड को लेकर सरकार एक्शन में है, साथ ही साथ तमाम यूनिवर्सिटीज को और शिक्षण संस्थानों को एहतियात, JNU में तमाम तरीके के एहतियात अपनाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अब से मास्क लगाना फिर से जरूरी होगा, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। ऐसे में पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है कोविड की वजह से। अनेक जगहों पर लोग मास्क का इस्तेमाल करें। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट की खबर से हड़कंप मच गया है। यहां 11 विदेशी लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो थाईलैंड, इंग्लैंड और म्यांमार के निवासी बताए जाते हैं।